नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी युवक भारती का पेपर पैटर्न फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो 2019 के साथ ही नए सिलेबस के साथ ही ये पेपर पैटर्न लागू हो गया था बोर्ड की तरफ से, और ये ऑफिशियल पेपर पैटर्न है। देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आपका देखो समय 3 घंटे का रहने वाला है। विषय हिंदी युवक भारती, अंक 80, कक्षा 11वीं। सबसे पहले विभाग एक गद्य यानी कि आपके पाठ वाला, तो ये 20 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें 4 सबकृतियां रहेंगी। सबकृति अ आ ई और ई। सबकृति एक अ, इसमें एक पैसेज रहेगा जिसके ऊपर आकलन कृति, शब्द संपदा या फिर अभिव्यक्ति वाले प्रश्न आएंगे। आकलन कृति यानी कि वही संजाल पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए या फिर दूसरा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं बॉक्स वाले। उसके बाद शब्द संपदा में समानार्थी, विद्यार्थी, लिंग परिवर्तन, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अभिव्यक्ति एक पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन आएगा, तो पर्सनल रिस्पांस वाला क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना, उसे छोड़ना मत। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो डाइजेस्ट में था वही आंसर लिखना है और वो क्या करते हैं कि उसे छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अभिव्यक्ति यानी कि आपका पर्सनल रिस्पांस, आपका क्या मानना है उस चीज को लेकर वहां पर लिखना होता है। उसके बाद सब क्वेश्चन आ परिच्छेद, तो ये भी रहने वाला एक परिच्छेद यानी कि आपका एक पैसेज रहेगा आपके बुक में से। फिर से सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आएंगे, आकलन कृति, शब्द संपदा और एक अभिव्यक्ति। उसके बाद ई रहेगा लघुत्तरी प्रश्न यानी कि एक बड़ा प्रश्न जिसका पैसेज नहीं रहेगा। तो आपके स्वाध्याय में जितने भी बड़े प्रश्न हैं लघुत्तरी प्रश्न वही उसमें से ही आएगा। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और एक क्या रहेगा साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। देखो आपके स्वाध्याय में जितने भी पाठ हैं और जितनी भी कविताएं हैं सबके स्वाध्याय में लास्ट में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान करके कुछ दिया है, तो वो क्वेश्चन आने वाले हैं। पाठ के स्वाध्याय में भी दिया है और कविताओं के स्वाध्याय में भी दिया है, तो पाठ वाला पाठ के यानी कि गद्य विभाग में आएगा और कविताओं वाला पद्य विभाग में आएगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद विभाग 2 पद्य आपके पोयम वाला है, तो इसमें भी ऐसे ही अ आ ई ई ऐसे सब क्वेश्चन रहेंगे। तो अ और आ ये दोनों पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के ऊपर फिर से वही आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति रहेगा। ई में रहेगा रसास्वादन कीजिए 6 मार्क्स के लिए। तो 6 मार्क्स के लिए कौन कौन से मुद्दे आते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा तो रचनाकार का नाम, कविता की केंद्रीय कल्पना और कविता की पसंद की पंक्ति या पसंद आने का कारण, ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से करके रख लीजिएगा। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए यानी कि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। मैंने कहा था कि लास्ट में स्वाध्याय के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें से ये आता है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद विभाग 3 विशेष अध्ययन हेतु अंक 10 मार्क्स के लिए। सो जो आपका विशेष अध्ययन हेतु पाठ दिया गया है उसके ऊपर 10 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले कृति 3 और रहेगा, देख सकते हो पैसेज रहेगा, उसके ऊपर आकलन कृति, फिर दूसरा भी आकलन कृति और एक अभिव्यक्ति का प्रश्न। तो देखो अभिव्यक्ति का प्रश्न ना हर जगह भरा हुआ है, सो इसलिए अभिव्यक्ति वाले में कुछ भी लिखना अपने मन से, ऐसा नहीं कि जो डाइजेस्ट में था जो बुक में था वही लिखना था सेम टू सेम। अभिव्यक्ति में आप कुछ भी लिखो चलेगा। उसके बाद आ रहेगा लघुत्तरी प्रश्न जिसमें से 2 प्रश्न रहेंगे और 1 लिखना होगा आपको। तो स्वाध्याय में जितने भी बड़े प्रश्न हैं वो अच्छे से कर लो। उसके बाद विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली का रहेगा, तो ये 20 मार्क्स के लिए रहने वाला है। सबसे पहले एक दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 1 लिखना होगा 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद सब क्वेश्चन आ रहेगा, लघुत्तरी उत्तर इसमें 2 में से 1 लिखना होगा। उसके बाद ई अपठित गद्यांश यानी कि एक पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज, उसके ऊपर से आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ई पारिभाषिक शब्दावली, आपके देखो बुक के टेक्स्ट बुक के लास्ट में ना कुछ इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं और उसका हिंदी में मतलब दिया गया है, तो ऐसे 6 वर्ड आएंगे जिसमें से 4 लिखना होगा यानी कि 4 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में वर्ड रहेगा उसका आपको हिंदी में मतलब लिखना होगा। उसके बाद विभाग 5 व्याकरण विभाग 10 मार्क्स के लिए, तो व्याकरण के कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, अलंकार पहचानिए और रस पहचानिए 2 मार्क्स के लिए, शब्द 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए और वाक्य शुद्धिकरण, तो ग्रामर में ये सब रहने वाला है और ग्रामर आपकी बुक का ही आने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं। द्वितीय सत्र के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम है, द्वितीय सत्र की 80 अंकों की कृति पत्रिका संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। उसके बाद कृति क्रमांक 1E यानी कि ये वाला देखो कृति क्रमांक 1
ई। तो इसमें क्या है देखो, उसका सूचना कृति क्रमांक एक ई चार में से दो प्रश्न 11वीं की 11वीं हिंदी युवा भारती के पृष्ठ क्रमांक 109 से लेने हैं। तो आप देख सकते हो कि 109 पर क्या होगा उसमें से आएगा, और पारिभाषिक शब्दावली यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड रहेंगे वो भी आपके बुक से ही रहेंगे, बाहर से कुछ नहीं रहने वाला है, सब कुछ आपके बुक से रहने वाला, चाहे वो ग्रामर हो चाहे जो बड़े क्वेश्चन हो, वो सब कुछ बुक में से रहने वाला है। स्वाध्याय बहुत अच्छे से कर लेना। एंड इसके बाद ये जो आपका ओरल एग्जाम है उसका भी पैटर्न दिया गया है, तो वो भी देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है ना, मैं इसका लिंक, ये पीडीएफ पूरा फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ जो 11th के लिए है, तो उस चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा, साथ ही 11th हिंदी का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। तो उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।